फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? सब लोग अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, यही आशा करती हूँ। और हम सभी बहुत ही अच्छे हैं। और चिक्की आई हुई है। चिक्की हाय बोलो सभी को। हाय, गुड मॉर्निंग, से गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आते ही क्लाइंट स्टार्ट हो गए थे तो मैं आपसे बात नहीं कर पाई। इवन घर पर भी मैं आपसे बात नहीं कर पाई क्योंकि आज हाँ थोड़ी सी तबीयत नरम गरम थी सुबह। और धीरे धीरे सभी काम करके मुझे चिक्की को भी लेके आना था तो थोड़ा वो भी गड़बड़ था काम का। तो राज हमें आज छोड़ के गए हैं पार्लर। तो अभी तो सुबह के जितने अपॉइंटमेंट्स थे अभी तक के, अभी कुछ 11:30 बज चुके हमें आके 1.5 घंटा। वो हम आज जल्दी आए क्योंकि राज हमें छोड़ने वाले थे तो हमको उनके टाइम पर निकलना था। तो आके हमें अभी 1.5 घंटे से ऊपर हुआ है। जो 2-3 क्लाइंट्स सुबह मुझे जिन्होंने कॉल किए थे उनको मैंने अटेंड किया है। तो अभी चिक्की अभी तक खेल रही थी, अभी उसको नींद आ रही है तो अभी वो सोएगी, थोड़ी देर रेस्ट करेगी जाने तक। और अभी अपॉइंटमेंट्स तो कोई नहीं है, जो क्लाइंट्स अभी आएंगे। मुझे भी 1-2-3 वीडियोस की एडिटिंग भी करनी है तो सोच रही हूँ एडिटिंग कर लूँ ख़त्म, क्योंकि फिर घर जाके होता नहीं है। मुझे आज लंच की प्रिपरेशन भी करनी। मैंने इवन आज कुछ भी नहीं किया है लंच का प्रिपरेशन, मैंने कुकर तक नहीं चढ़ाया आज, इतना मैं सुबह आज थोड़ी सी ऐसी गल गई थी। तो घर जाके प्रिपरेशन कर रही है। और क्योंकि तेजू की अभी फिलहाल तो हाफ डे चल रही है क्योंकि उसका ब्रिज कोर्स चल रहा है तो वो जल्दी आ जाती है, 2 बजे तक आ जाती है। और आते ही उसको भूख लग जाती है, खाना चाहिए होता है। तो मैं 1 बजे शायद या फिर 1:30 बजे आज निकलूंगी। आप सोच रहे होंगे कि वीडियोज पार्लर में ज़्यादा नहीं बनते, ज़्यादातर मेरे घर पर ही बनते हैं। या फिर जो ब्यूटी टिप्स के वीडियोज होते हैं जो मैं अपने ऊपर दिखाती हूँ, मतलब क्लीनअप के हो, फेशियल के हो, वो मैं उस टाइम पे आती हूँ जब क्लाइंट्स ना हो। मतलब अर्ली मॉर्निंग जो सुबह, मतलब 8:30-9 बजे अगर मैं पार्लर आ जाऊँ तो 1-1.5 घंटे का टाइम मेरे पास होता है, क्योंकि मेरे क्लाइंट्स आफ्टर 10:30 स्टार्ट होते हैं तो मैं तब बना देती हूँ। या फिर दोपहर में जब मैं यहाँ से पार्लर क्लोज करके निकलती हूँ, मेरा टाइमिंग 1:30-2 बजे का है। तो अगर कभी मैं घर ना जाऊँ, पार्लर में रुकूँ, तो मैं दोपहर में वो वीडियोज शूट करती हूँ। तो ऐसा मेरा शेड्यूल है। एक्चुअली मुझे बहुत लोगों ने ये पूछा है कि हमें आपका पूरा दिन का शेड्यूल देखना है कि आप किस तरह से घर का काम मैनेज करते हैं, किस तरह से पार्लर का काम मैनेज करते हैं और वीडियोस बनाते हो, फिर उसकी एडिटिंग भी करते हो, फिर उसे पोस्ट भी करते हो। तो हाँ, मैं आप लोगों के लिए एक बार मेरा फुल डे रूटीन दिखाऊंगी, बट मेरे ख्याल से वो 1 दिन के शूट में होगा नहीं। मतलब 15-20 मिनट के वीडियो में तो फिट नहीं होगा, तो मुझे 2 पार्ट बनाने पड़ेंगे, सुबह का एक शेड्यूल और शाम का एक शेड्यूल। तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इन मनाती चुको, मेरे स्लीपर्स पहन के घूम रही है। ए, 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 ए। डांस मार। ये देखिए लेजी बच्चा, बस सोने के लिए जगह दे दीजिए सो जाता है। चिक्कू चिक्की सो रही है, चिक्की को नींद आई है। हेलो फ्रेंड्स, हम घर आ चुके हैं, अभी ऐसे बैठी है। नीचे इसको चक्कर आ गए थे क्योंकि धूप बहुत है और मैंने ऑटो लेने के लिए ऑटो को रुकाया तो ये चढ़ी नहीं ऑटो में, इसको चलना था। और इसका परिणाम ये हुआ, धूप में चल के आई, आप देख ही रहोगे मेरी हालत, पसीना पसीना हो गया, हाथ अभी भी कांप रहे मेरे, क्योंकि वो धूप ने उसको इतनी आदत नहीं है। तो अभी वो धूप में चल के आई और यहाँ नीचे बेकरी में उसने कुरकुरे बुला लेने के लिए तो हम रुके और उसको चक्कर आ गई, गिर गई वहीं पर। फिर उसको पकड़े, पानी वगैरह पिलाया, थोड़ा सर पे पानी मारा तो फिर ठीक हो गई। वैसे तो 2-3 मिनट के लिए उसको होता है ऐसा अगर बहुत ज़्यादा धूप हो या बहुत ठंड हो, देखिए। और फिर उसको और आगे और एक ये लिफ्ट बनती है, इसको उठा के लेके आई हूँ मैं पीठ पे और अभी हालत ख़राब है मेरी। ये देखो, ये तो हो गई, ठीक हो गई, लेकिन मेरी हालत ख़राब हो गई फ्रेंड्स, मेरे हाथ अभी भी कांप रहे यार, शिट। कितना मैंने 2 ऑटोज रुकाए, नहीं चढ़ी वो, नहीं चलना है, चलो चलना है, चले के लेके आएंगे। हाँ, लेकिन इतनी धूप की आदत ही नहीं है उसे, क्योंकि सुधार लेती हूँ अपने आप को, फिर आपसे बात करूँगी। चिक्की वो देखो अभी कितने, कैसे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है ऐसे बैठी है। देखिए सभी को टेंशन दे के खुद आराम से कुरकुरे खाते बैठ गई है। चिक्कू
थे, पता नहीं क्यों आज उसको चलने का इतना शौक चढ़ गया था कि चलना ही है मुझे। उसको भी बोर होता है ना, उसको भी सिर्फ गाड़ियों में घूमना अच्छा नहीं लगता, कभी कभी सोचती है उसको भी चलना चाहिए। अभी उसको कैसे समझाए कि नहीं धूप में नहीं चलना चाहिए बाबा, होता है। क्या सोच रहे हो, खाना खाओ। चिक्की चिक्की भी खाना खा रही है, तेजू भी खाना खा रही है। आ टिक्कू मेन कर यार। चिक्की उठा, देखिए कैसे लोट पोट रही है मेरी माँ। देखिए देखिए इस माँ को। मैं उसको तो फ्रेंड्स, जब मैं पार्लर से घर आ रही थी तो यहाँ पे ये एक इन्विटेशन ज्वेलरी का और कॉस्मेटिक्स का शॉप है जो हमारे बिल्डिंग के बराबर नीचे ही है। तो यहाँ पे मेरी तेजू बार बार आती है और कुछ ना कुछ इयररिंग्स वगैरह खरीद के लाती है। तो मैं एक्चुअली रबर बैंड लेने गई थी, तो मुझे यहाँ पे ये पर्ल का इयररिंग पसंद आया तो मैं वो भी ले रही हूँ। और मैं डिटेल्स में ये दुकान मैंने एक्चुअली इतने डिटेल में देखा नहीं था, मैंने सिर्फ 2-3 बार कुछ छोटी मोटी चीज़ें खरीदी थी, बट काफ़ी उन्होंने सामान रखा है और सारी चीज़ें मिल जाती है जो इमरजेंसी हमें चाहिए होती है। तो मैंने 2 इयररिंग और रबर बैंड लेके घर आई। भजियाँ हो गई। हाँ हो गई। ऑनियन के पकोड़े, आज है ऑनियन के पकोड़े। अभी मैं खिचड़ी बना रही हूँ क्योंकि सुबह आपको पता ही है मेरी हालत क्या हो गई थी, तो खाना ज़्यादा कुछ बनाया नहीं था मैंने। तो अभी जो है वो मैं खिचड़ी बना रही हूँ, सिंपल सी जो हम हमेशा खाते हैं, मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है खिचड़ी। तो अभी खिचड़ी बन रही है, खिचड़ी और ऑनियन के पकोड़े। उधर भी ऑनियन, इधर भी ऑनियन, कितने सारे ऑनियन। ऑनियन हर जगह चाहिए बेटा जी, बिना ऑनियन की जिंदगी नहीं, बिना ऑनियन के खाना नहीं, बिना ऑनियन के मज़ा नहीं। और कल क्या बनाएंगी आज ही बताऊँ? इसे चाहे तो बता सकती हूँ कि यहाँ पे दिखा दे कि क्या है, कल पता चल जाएगा सभी को। ये है हमारे कल का नाश्ता। हम कल बनाएंगे इडली। उड़द की दाल पीसनी है मुझे कल के इडली के बैटर के लिए। किचन तो मेरा क्लीन हो गया है, सारे बर्तन भी घस के हो गए हैं।
तो चलिए पहले रवा जो है वो भिगाने को रख देती हूँ। अगर आप लोगों को पता नहीं है अगर आप इडली पहली बार बना रहे होंगे तो उन लोगों के लिए बता दूँ कि ये जो रवा है इडली रवा, इसको पहले भिगोना पड़ता है। एक घंटे के लिए आप भिगो के रखिए पानी में, और उड़द की दाल पीसने के बाद जो आटा रेडी होगा उसके बाद इसको मिक्स कीजिए, तो आपकी इडलियाँ जो है वो बहुत ही नरम नरम ऐसे फ्लफी फ्लफी बनेंगी। अगर आप एकदम से आटा रेडी करके रवा मिक्स कर देंगे ना, तो वो आटा जो है, वो रवा जो है, ये पूरा पानी सोख लेता है, ये बहुत पानी सोखता है। तो उसको जितना रिक्वायरमेंट है पानी का उतना हम पहले डालेंगे। देखिए रवा मैंने डाला है, अभी मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी। तो जब तक मेरा आटा पीस के रेडी हो जाता है, ये रवा जो है ये पूरा पानी सोख लेगा, जिसके इसके जितना इसको चाहिए उतना। और ये देखिए, ये जो ऊपर का पानी है ये मैं इसको फेंक दूंगी, जिससे रवा साफ भी हो जाएगा। देखिए मैंने ऊपर का एक्सेस पानी जो था वो फेंक दिया, और इमीडिएटली रवा ने जो पानी पूरा सोख कर लिया। देखिए देख रहे, पूरा सोख कर लिया। अब मैं और थोड़ा पानी डाल के रख दूंगी इसको। तो सुबह जब आप इडलियाँ बनाते होंगे उस वक्त आपको पानी ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जितनी पानी की रिक्वायरमेंट है उसको रात पे ही मिक्स करके रख दीजिएगा। एक्स्ट्रा पानी जब सुबह आप बनाते हो तब डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जब ऐसा होगा बैटर, तो वो बैटर एकदम परफेक्ट है। अगर आपको सुबह पानी ऐड करना पड़े तो बैटर में कुछ गड़बड़ है। तो अभी उड़द की दाल को मैं अच्छी तरह से धो लूँगी और उसके बाद पीस लूँगी। अभी आटा मेरा रेडी हो चुका है और अभी रवा मेरा भीग रहा है, तो जब तक ये भीगता है तब तक हम लोग खाना खा लेंगे। खाना भी रेडी हो चुका है, मेरी खिचड़ी भी रेडी हो गई है। तो खाना खाने के बाद मैं इसको मिक्स करके रख दूंगी, तो फिर सुबह तक मेरे इडली का बैटर रेडी हो जाएगा। तो खिचड़ी रेडी हो गई है हमारी, दाल खिचड़ी। तो गर्मा गर्म खिचड़ी और घी, घी के साथ खिचड़ी का मज़ा ही अलग है। ठीक, ये गई भजियाँ और ये गया उसके ऊपर घी। चलिए चलो तेजू, चिक्की वेट करिए। चिक्की चाहिए? तो फ्रेंड्स सारे काम खत्म हो चुके हैं, मेरा किचन भी देखिए क्लीन हो गया है, एकदम क्लीन। और हाँ, और जानू अभी तो पढ़ाई करने वाले, सोने वाले, डिपेंड्स। मैं चाय अपने लिए बना चुकी हूँ ऑलरेडी, आपको दिखाती हूँ। ये मेरी चाय उबल रही है और अब मैं एक कप चाय पी के सोऊंगी। तुझे भी चाहिए चाय? पहले बोलना था ना, मैंने एक ही कप बनाई। कॉफ़ी पिएगी? दूध गर्म करूं? अभी थोड़ी देर पहले तूने कॉफ़ी पिया ना जानू? हाँ। तो वापस कॉफ़ी पिएगी? हाँ। क्या पेट के अंदर कॉफ़ी की फैक्ट्री खोलनी है? कॉफ़ी खोल दे, कॉफ़ी फैक्ट्री है, कॉफ़ी डंप। डंप। तो फ्रेंड्स मैं अपनी गर्मा गर्म चाय एंजॉय कर रही हूँ और जानी मुझे यहाँ पे कंपनी देने आई है। जानी प्यार से हम जानी भी बुलाते हैं, जानी ऐसे भी बुलाते हैं। तो फ्रेंड्स अभी रात के 11 बज चुके हैं और मैं अपने पीने वाली हूँ गर्मा गर्म चाय बालकनी में बैठ के। ऐसे तेजू भी आ गई है। तुम लोगों को नींद नहीं आती क्या? रे ये देखो। और इसका स्कूल है कल सुबह 8 बजे, इसको निकलना है। और ये देखो रात की 11 बज चुके हैं, सो नहीं रही है। सो जा। तो फ्रेंड्स आज का व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। आप लोगों से मैं कल मिलूंगी किसी अच्छे वीडियो में या किसी अच्छे व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर। जैसे कि 11 बज चुके हैं, 11 बज के निकल गए, काट रहे हैं तो जा अंदर जाना। मुझे नहीं काटते, देख पापी लोगों को काटते कुछ भी।
स्वीट, दे लाइक माय टेस्ट। ओहो, अच्छा है तो कड़वा बना रहना ज्यादा अच्छा है, मुझे नहीं काटेंगे। तो फ्रेंड्स हाँ, जैसे कि मैं बता रही थी 11 बज के जा चुके, फिर भी गाड़ियां यहाँ से वहाँ घूम रही है, शांतता नहीं है इस रोड को, क्योंकि ये मेन रोड है। और हमने गुड नाइट बोल दिया ना, फिर भी बोलती हूँ। तो आपसे मैं कल मिलूंगी किसी अच्छे वीडियो में या किसी अच्छे व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर। और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। फ्रेंड्स आपके लाइक का मुझे इंतजार रहेगा।